अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हाइपर एसिडिटी के बारे में, यानी कि जो पेट में जलन होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, एसिडिटी का मतलब है हमारे पेट के अंदर जलन होना। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना जो है हमारे मुंह से होते हुए हमारे ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप होता है वहां से गुजरता है और वहां से वो पेट में जाता है, जिसे हम स्टमक कहते हैं। और जब ये खाना पेट के अंदर जाता है तो इस खाने को पचाने के लिए पेट के अंदर जो है एक एसिड बनता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस बनने की वजह से जो है पेट के अंदर जो खाना होता है वो पचने लगता है। अगर ये एसिड जो है नॉर्मल मात्रा में जो है पेट के अंदर बने तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कई सारे केसेस में किसी कारण की वजह से ये जो एसिड होता है शरीर में बहुत ज़्यादा बनने लगता है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से एसिड की मात्रा पेट के अंदर बढ़ जाती है। और ये एसिड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ही जो है पेशेंट को पेट में जलन हो सकती है, और इसी एसिड की मात्रा के बढ़ने की वजह से पेशेंट को जो है पेट के अंदर जलन हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती है, पेशेंट का जो है रिफ्लक्स डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है, पेशेंट को जो है मुँह के अंदर कड़वा कड़वा सा लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम जो है पेशेंट के शरीर के अंदर डेवलप होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, इसमें मुख्यतः जो है मैं 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो है यूज़ करता हूँ और 1 बायोकेमिक मेडिसिन यूज़ करता हूँ। इसका अफेक्ट बहुत ही अच्छा दिखाई देता है स्पेशली एसिडिटी के पेशेंट्स में। इसमें सबसे पहली दवा है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज को जो है आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 टाइम लेना है और डायरेक्टली इसे टंग के ऊपर लेना है। इसमें जो दूसरी दवा है वो है लाइकोपोडियम, 200 पोटेंसी में इसे यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 टाइम इसे भी लेना है। और तीसरी दवा है वो है नाकस्वामी का, 200 पोटेंसी में इसे भी आप 2 बूंद दिन में 3 टाइम लीजिए। और एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है, इसका भी इस्तेमाल करें, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 25। इस दवा को जो है आप 2 गोली दिन में 3 टाइम यूज़ करें और लगभग इस दवा को 2 से 3 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली 2 से 3 महीने के यूजेस के बाद में आपकी जो समस्या है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगी। और इसी के साथ में जो है आप जंक फूड को जो है अवॉइड करें, टाइम पे खाना खाएं, और रात का जो खाना होता है आपका दोपहर के खाने का आधा करें। और टाइम पे खाने का मतलब यह है कि सुबह में जो ब्रेकफास्ट होता है उसको समय पे लीजिए, दोपहर का लंच आपका समय पे लीजिए, और रात के खाने को जो है लगभग 9 बजे से पहले ले लीजिए। और जब भी आप खाना खाएं तो लगभग जो है 2 से 3 घंटे का गैप रखें, ताकि जो है आपका खाना जो है उस समय 70% तक जो है पच जाता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो हाइपर एसिडिटी के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन के अंदर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो है जो भी सवाल पूछते हैं आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब मैं दूँ। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।